एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो के लेटेस्ट सॉन्ग के ऊपर, जिसका टाइटल है पीछे हट। और इसके अंदर है जस्टिन बीबी, तलाल कुरैशी, हसन रहीम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को और सुनने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेटेस्ट ट्रैक को सुनना। और बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि जब कोक स्टूडियो का वीडियो आएगा ना, तो मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तभी मेरे वीडियोज़ देखते हैं ना, क्योंकि लेटेस्ट ट्रैक होते हैं ना तो आप लोगों को पसंद आते हैं कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स। तो मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ, कम्युनिटी पर आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा जिस दिन मैं लाइव आऊँगी। टाइमिंग के साथ सारी डिटेल्स आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगी। कौन लाइव में ज्वाइन करेगा प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना। अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ पर क्या बोला था। एंड मैं चाहती हूँ दिल से सच में कि आप लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन करो, ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़े आने का। थोड़ा सा मैं डर भी रही हूँ, बट इट्स ओके, मुझे लाइव आना, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। कोक स्टूडियो सीजन 14 पीछे हट। पीछे हट वीडियो गेम टाइप लग रहा है। म्यूजिक इज गुड, बीट अच्छा है, हिप हॉप टाइप है। जैसे तू मेरी खबरों के नीचे, आगे की सोचूं मैं, अब तू मेरे पीछे पीछे। रवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, वजन रखते अल्फाज यही तो कमाल है। लंबा बुटे ये घड़ी जो मेरी आई है, इसकी मैं बनाऊं असल मेरी अपनी जादी है। सौ बातें बोलो मैं सुनने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी का मालिक नहीं करता कोई फायर प्रेशर। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर भी शा गए ना, और समझे के हम तो घबरा गए। पीछे हट, पीछे हट, थोड़ा सा एटीट्यूड काइंड ऑफ सॉन्ग है। पीछे हट मेरी बात मान, गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद। फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्स में, अकेला काफी में नहीं चाहिए मुझे चार पांच। फीट ले तू जितने मर्जी फीट ले, नियत साफ की थी असन सबसे स्वीट है, जमाने सुने की थी यही असल जीत है। दजी बुस जगो गारी मेरी बेट है, ओ तेरे का बना आई ट्राइन मूव मी, कुछ ऐसे पहले आर इफ यू बेली न्यू मी। न्यू वेव आई सी ऑल योर ग्रूविंग, दिस वे इज गोना हिट द चार्ट्स मैन एंड जूम मी, नो वॉच मी हिट द फिफ्थ गियर, तेरे सारे अपने मेरी साइड पे ढेर। काम बोले बोले वजह से ये होता नहीं, जस्ट मी बी साथ नाउ टेक इट अवे। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर भी शा गए ना, और समझे के हम तो घबरा गए।
सॉन्ग फिनिश हो गया है। अच्छा था, बीट्स मुझे अच्छा लग रहा था, ना 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 ये वाला जो बीट था अच्छा लग रहा था। सबसे प्यारा मुझे इस सॉन्ग में बीट लगा, आवाज़ अच्छी थी, जितने भी इसके अंदर आर्टिस्ट थे सबकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। सॉन्ग वॉज लाइक जैसे फील हो रहा है सुनने में, अगर इसका कोई वीडियो ना देखे ना सिर्फ सुने तो ऐसा फील हो रहा है कि दो टीम है, अभी कोई भी क्रिकेट की ले लो किसी भी गेम की ले लो, दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है। एंड वहाँ पर ये लिरिक्स बिल्कुल सूटेबल है, अगर मैं जो चीज़ बोल रही हूँ कि दो टीम्स के बीच कोई भी गेम का मुकाबला हो रहा है या कुछ भी, तो वहाँ पर ये सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठेगा कि मतलब पीछे हट, एक एटीट्यूड से भरा हुआ ये सॉन्ग था कि मतलब पीछे हट, मतलब कहीं ना कहीं वो एक वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा कुछ ये सॉन्ग था। लड़की गर्ल्स वाला लिरिक्स था वो बहुत अच्छा था कि मतलब लोग समझे हम घबरा गए लेकिन हम छा गए, तो लिरिक्स अच्छी थी, काफ़ी इन्जॉय करने वाला था। थोड़ा सा पार्टी काइंड ऑफ सॉन्ग है, पार्टी चल रही है वहाँ पर ये सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा यू नो कूल टाइप का सॉन्ग है। जो रैप था इसमें वो जो लाइंस थी बहुत ज़्यादा क्लियर थी, रैप बहुत अच्छा था, रैप डिफरेंट एकदम तड़का ऐड कर दिया था कि मतलब चार पांच मुझे नहीं चाहिए, मैं एक अकेला ही काफ़ी हूँ, ऐसा कुछ लिरिक्स था, पार्टी पार्टी टाइप सॉन्ग था, मज़ा आया मुझे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये गाना। चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।